कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है या केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे, जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु महोदय इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए, और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया। इस देश के अंदर महोदय असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझाड़ अंडर रूल 376 सर, द ऑनरेबल मेंबर वाइल गिविंग statement in his speech he mentioned about communal rights. I request you that 2011 he has given a figure, those are wrong figures. No, he has completely forgotten 10 to 2013. No, my question was there sir.
you cannot give wrong figures. Gujarat was the highest number followed by Madhya Pradesh. I have my question over here. Answer. I request you to check the record. Please, sir. Please take it. Please. Say. No. Please. See, Anish Malik. See, I'm on my legs, please. See, the member is speaking and giving some figures. You are disputing that figures. No. In your speech, you can say. There is no ruling. There is not out of. During your speech, you can speak. You reply that. During your speech, you can counter it. Not. When your time comes, you at that time can dispute it. You continue. You can nothing will counter. उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था, 3 महीनों तक लगातार दंगे होते रहे, इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई, असम जलता रहा। और तो और, कांग्रेस के लोग एक बार तो असम के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे बोडो वहां का नागरिक है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है। महोदय, असम के अंदर आज कोकराझार, धुबरी, चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं, और बेश्रमी के साथ देश के साथ खिलवाड़ इन्होंने वहां पर उनके माध्यम से करवाया है। महोदय, और तो और, हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से भी, कोयंबटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है, दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? और इस देश के अंदर मोदी इस देश के अंदर क्या हुआ था? लेट हिम स्पीक, हम भूले नहीं। मोदी, 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ, मोदी, आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं, लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई, ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे, और बाबा रामदेव पे उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामला मैदान पर लाठी चार्ज करके बेश्रमी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है?
इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इसलिए महोदय, जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे महोदय, जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूं, वो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। और वे चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं। प्लीज सर, रूल 380 आई एम कोटिंग, सर आई एम रेसिंग ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हाइल स्पीकिंग। द मेंबर ऑलरेडी मेड डिफेमेटरी स्टेटमेंट। इफ द स्पीकर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन डिबेट विच आर डिफेमेटरी और इंडिसेंट और अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड, ही यूज द वर्ड दैट वी ऑलरेडी रेज द इश्यूज ऑफ कम्युनल वायलेंस। We are not against anybody. We want a secularism to be maintained in this country. Therefore, we made a discussion. But honourable member, while discussing, he used the name of Pakistan. He abused us for naming the Pakistan. This is unparliamentary, sir. This is this should be deleted. This should be deleted, sir. As per CIT, this should be deleted. मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आता हूँ। प्लीज If any objections is in regard, that will go through and we'll explain it. Please continue. उपाध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने का बात किया था। हम लोगों ने तो नारा भी दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। हमने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन असम के अंदर अली और कुली का नारा इन लोगों ने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यही इनका सेकुलरिज्म है? महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में 118 घटनाएं घटित हुई, 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएं घटित हो चुकी हैं।